साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOSC 12th क्लास का 335 यानी तरसील अम्मा, जिसे मास कम्युनिकेशन करते हैं। बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हर चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो है टोटल आप देखें तो यहाँ पे 28 इसके अंदर चैप्टर हैं, और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 यानी बुक 1 और बुक नंबर 2 हम पढ़ेंगे, और बुक नंबर 3 भी पढ़ेंगे। 1 by 1 पढ़ेंगे और सारे सॉल्व करेंगे हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से। इम्पोर्टेंट सवाल जवाब भी होंगे, वो भी करेंगे, और क्या क्या पेपर में आ सकता है, किस किस तरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सबक नंबर 1 का जो नाम है वो है अबलाग का तारुफ। अबलाग किसे कहते हैं? देखिए, फ़ोटो से भी पीछे हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, तो सबसे पहले हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। अबलाग क्या होता है? आपकी पैदाइश आपके वालिद के लिए ज़बरदस्त खुशी का लम्हा थी। आपके रोते हुए सबको मालूम होगा आप इस दुनिया में आ चुके हैं। भूख लगने पर आप रोते हैं, आपकी माँ ये समझ जाती है, आपको दूध देती है। ठीक है, इसी तरह और भी वाक़यात होते हैं। फिर धीरे धीरे आप बोलने लगते हैं और समझने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, और आप इशारों से बोल कर और लिख कर अपने इजहार सबक के हवाले से कहा जाए तो अपना अबलाग कर सकते हैं। मगर अबलाग क्या है, इस सबक के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे वो यहाँ पे मकासिद दिखे होंगे, जैसे अबलाग का मफहूम पता लग जाएगा, ये बता सकेंगे अबलाग कैसे करते हैं, अबलाग की किस्में क्या हैं, ज़ाती अबलाग क्या है, बीन अफरादी क्या है, ग्रुप अबलाग क्या है, इन सब बातों के बारे में हम समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसानों के दरमियान अबलाग क्या होता है। देखिए, ये आदमी बात कर रहा है और हाथ मिला है। जब हम एक दूसरे से तबादला ख्याल करना या उन्हें कुछ मालूमात फराहम करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके अख्तियार करते हैं। क्या तरीका होता है अख्तियार करना? या तो हम बोलते हैं और अपनी बात कहते हैं, या फिर लफ्ज़ों के बग़ैर ही अबलाग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे तो बोल रहे हैं बातचीत करके या लफ्ज़ों के इशारों से। इंसानी तारीख पर नज़र डालें तो मालूम हो जाएगा कि कदीम इंसान हमारी तरह बोल नहीं सकते थे। देख रहे हैं, ये जो है कदीम इंसान को एक दिखाया गया, ये हमारी तरह बोल नहीं सकते थे, बल्कि क्या करते थे, ये इशारों से बातें करते हैं। हम जो अल्फाज बोलते हैं और जिन ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बाद के ज़माने में पैदा कदीम इंसान अपने महसूसात और तजर्बात का इजहार जो करता था वो किससे करता था भाई, तजर्बा लफ्ज़ों के बग़ैर ही करता था। ठीक है, तो उनके चेहरे के तासुरात, सर, हाथ, जिस्म के दीगर हिस्सों के ज़रिए इशारे, ये सारी चीज़ें होती थी, और इन्हीं को ही जो है अबलाग कहा जाता है। हम तरसील, अब सवाल आता है तरसील क्यों करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन में इसका छोटा सा जवाब भी लिख रखा है। हम तरसील एक दूसरे की बात समझने के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात जो है ना, इसकी मेजर डेफिनेशन जो है यही है। इसकी जो मेन जो इसका मरकज़ है इस सवाल के जवाब का, वो ये है कि हम एक दूसरे की बात को समझने के लिए तरसील करते हैं। जैसे मैं आप सबको ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरसील का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम समाज में एक दूसरे, हमारे अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं जो दौलतमंद या गरीब, बड़े मकानों या झोपड़ी में रहने वाले, ख्वानदा या नख्वानदा हो सकते हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़हब और फ़िरकों से और उनकी ज़बानें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से बातचीत या रस्म व राह कर सकते हैं। समाजों की बाकी रहने के लिए लोग इस तरह आपस में मिलना जुलना लाजमी। हम सवाल करते हैं और उनके जवाब पाते हैं, मालूमात तलब करते हैं और हासिल करते हैं। हम तरसील किस लिए कर सकते हैं भाई? इत्तला देने के लिए, गुमराह करने, बहुत से लोग गलत तरसील भी करते हैं। ठीक है, मशवरा देने के लिए, फरोख्त करने के लिए, ख़रीदने के लिए, सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तरसील के अंदर जो है हम करते हैं, तरसील का मतलब प्रचार भी कह सकते हैं। अच्छा, तरसील क्या है? जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे तरसील कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो तरसील है। ठीक है, देखें, इसको समझते हैं। अब तक हमने
मालूम होगा हम तरसील किसे कहते हैं। अब ये जानने की कोशिश करें कि अबलाग क्या है, मगर अबलाग की तारीफ मुकर्रर करना इतना आसान नहीं। ठीक है, इसके मुख्तलिफ लिए मफहूम हो सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कोई बात लफ्ज़ों के ज़रिए कहते हैं उस बात को पैगाम कहा जाता है। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप SMS व्हाट्सएप सबसे मुख्तसर होता है, पैगाम छोड़ते हैं। मसलन मैं मीटिंग में हूँ, बराए मेहरबानी 4 बजे शाम को कॉल कीजिएगा, या मुबारक हो या घर पर मुलाकात हो, ये सब पैगाम आप जो भेजते हैं एक दूसरे को। अगर कोई इम्तिहान में कामयाब हो तो उसे मुबारकबाद का पैगाम दें। उसे पाने वाला उसका मतलब फ़ौरन समझ लेगा। आए पैगाम और समझने के दो अल्फाजों के ज़रिए अबलाग की तारीफ मुकर्रर करने की कोशिश करें। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से हासिल होने वाले पैगाम देखते हैं। अबलाग वो पैगाम है जो समझ लिया गया। अबलाग क्या होता है भाई? उस पैगाम को कहते हैं जो समझ लिया जाए। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई आज जो है छुट्टी है, तो आपकी समझ में आ गया तो ये आज छुट्टी है, कोई त्यौहार होगा या कोई और वजह होगी, बता दीजिए। तो ये अबलाग है। किसी फ़ोन पर पैगाम भेजा, यहाँ अव्वल आया, उसे पाने वाला शख्स सोचता है कि इसका मतलब क्या होगा, इस पैगाम में कोई मानी है, मानी ही नहीं, उसे पाने वाला उसे समझ नहीं सकता। इसलिए अबलाग होने के लिए ज़रूरी है वो शख्स जिसे पैगाम इरसाल किया गया उसे समझ ले, तो अबलाग है। समाज में हम सब पैगाम के ज़रिए एक दूसरे आपदा करते हैं, आपसी में बातचीत करते हैं, लिहाजा अबलाग की तारीख मुंदरज है। पैगाम के ज़रिए होने वाली समाजी रबता अबलाग है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दो लोग बात करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तजर्बे में शिरकत अबलाग है। ठीक है, दो लोग बातचीत करते हुए देखे होंगे आपको, ये भी अबलाग का एक हिस्सा है। अब सवाल यहाँ पे बनता है 1.1 मतन पर मबनी सवाल, हम अबलाग क्यों करते हैं, इसके 5 अस्बाब बताएँ। अभी मैंने आपको बताया ना, अबलाग क्यों करते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की बातचीत करने के लिए। तो इस सवाल का हम अबलाग क्यों करते हैं, इसके 5 अस्बाब देखिए। तो हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि हम अबलाग क्यों करते हैं। तो देखो, इसका जवाब देखने का तरीका ये होता है, मैं आपको बता दूँ इसका लिखा हुआ है जवाब के 1.1 का जो सवाल है, इसका जवाब जो है ना आपको यहाँ मिलेगा। हिस्सा देखिए 1.2, तो 1.2 का आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसका जो है हमें जवाब मिलेगा। दूसरा सवाल है कि अबलाग की तारीफ कीजिए, अबलाग किसे कहते हैं, उसकी तारीफ। तो इसकी तारीफ मैंने आपके सामने लिखी थी कि अबलाग जो है, जब हम तबादला ख्याल करते हैं एक दूसरे के दरमियान, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसको अबलाग कहते हैं। जैसे दो लोग कर रहे हैं, अबलाग जो है ज़बानी भी हो सकती है, और जैसे पहले कदीम इंसान था इशारों से करता था, उसे भी अबलाग कहते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा ज़ेल में से सही बयानात सही या गलत बताना है। अबलाग वो पैगाम है जो समझ दिया गया, पैगाम के ज़रिए होने वाली समाजी रबता अबलाग है, ये सही। तजर्बे में शिरकत अबलाग नहीं, गलत। तो इस पे अब अगला सवाल है, अबलाग हम अबलाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है अबलाग के कई तरीके हैं। देखिए, क्या आप उन 6 लोग जो नाबीना की कहानी सुनी है, जो किसी हाथी को देखने गए, उन्होंने हाथी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छुआ और अपने तौर पर अपनी अपनी राय कायम की, और जिस शख्स ने हाथी के बड़े और मजबूत हिस्से को छूता है उसने कहा ये दीवार है। ठीक है, ये हाथी दिख रहा है आपको, और जिसने हाथी का दांत छुआ उसने कहा ये एक भाला है, जबकि सूंड छूने वाले ने उसे सांप समझा। इसी तरह दूसरे लोगों ने हाथी के दूसरे हिस्सों को छुआ और उनके बारे में राय कायम, कानों को खोपना, दुम को रस्सी और पैरों को पेड़ समझ लिया। देख ना सकने वाले लोग चीज़ों के बारे में जानने के लिए छूने का हिस का सहारा ले। छूने के हिस इन 5 हवास में शामिल है जिसके ज़रिए हम अबलाग कर सकते। अबलाग के 5 हवास कौन से? जैसे खाने का चखना, आप खाने की चीज़ को चख के बता सकते हैं, ये भी अबलाग का एक ज़रिया है कि भाई टेस्टी है या नहीं। दूसरा ज़रिया है मौसीकी सुनते हुए, मौसीकी सुनते हुए भी आप जो है बता सकते हैं अबलाग के बारे में। ठीक है, और
अब देखिए गैर लफ्जी अबलाग क्या होते हैं। गैर लफ्जी अबलाग वो होते हैं, इन तमाम मिसालों को हमने किसी लफ्ज़ या ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पांचों हवास फितरी हैं। जैसे ये फ़ोटो देख सकते हैं आप मीम से, इसमें चेहरों का एक तासुर दिखाएगा, मुस्कुरात कहते हैं जिससे खुशी का इजहार होता है। देखिए यहाँ पे 6 फेसेस है, मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, घूर रहा है, हैरत में है, कर रहा है, हंस रहा है, मुख्तलिफ इंसानी जज्बात का इजहार शक्लों से। तो ये गैर लफ्जी एक होता है लफ्जी अबलाग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला इशारा कर रहा है तो ये इशारे वाला अबलाग है, ठीक है। इसी तरह आप देखें दिलचस्पी जाहिर करते हुए, ये भी एक अबलाग है। बहें तानते हुए, ये भी हैरत से कर रहा है, ये भी एक अबलाग है। जिस्मानी हरकत के ज़रिए, वो आपने सुना होगा बुरा ना कहो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ये भी एक अबलाग है। इसी तरह एम्पायर ने जो है बेसमेंट आउट का इशारा दिया, ये भी एक अबलाग का ज़रिया है, ठीक है। ये गैर ज़बानी अबलाग है। इस्तक़बाल एहतराम का इशारा है, ये भी एक अबलाग का ज़रिया है, ठीक है। तो और ये सारे जो है इसके अंदर दे रखे हैं। अब यहाँ पे ये इंसानी तरसील के लिए 5 हवास का इस्तेमाल करें और उनके नाम बताएं। 5 हवास मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाएं, उन्हीं में से आप गैर लफ्जी तरसील से क्या समझते हैं, जिसमें बोला ना जाए, इशारे से काम चले। ज़बानी तरसील क्या होती है, जिसमें हम वो चीज़ के, जैसे मैंने लिखा मुंदरजे जुमले, आसमान ऊंचा है, आसमान नीला है, आसमान ऊंचा भी है और नीला भी है। लफ्ज़ों के इन गुरुपुरा जुमलों में इस तरह तरतीब दिया कि इनमें मानी पैदा हो जाए। जब हम कोई ऐसा मुकम्मल जुमला अदा करते हैं जिसमें कवायद या ज़बान के असूलों पर अमल करते हुए सही मानों का सही जगह इस्तेमाल करें थे, उसको मजमे को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अभी आ सकता है ज़बानी तरसील के फ़ायदे क्या हैं। ये फौरी और फितरी बोली जाती है, एक दूसरे आसानी से समझ सकते हैं। लफ्ज़ों का इंतखाब अमूमन सामने वाले के लिए मौजू होता है, ऐसे उसे गैर लफ्ज़ी इबलाग की मदद हासिल होती है। तहरीरी इबलाग क्या होता है, तहरीरी इबलाग होता है जो लिख के किया जाए। ज़बानी और तहरीरी इंसानी तारीख के सफ़र में बाद में हुई, समझा जाता था कि अव्वलिन रस्म ख़त चीन में पाया गया। पहले चीन में और बाद में मिस्र के कागज़ की इजाद से पहले तक चमड़े के टुकड़ों और खजूरों के पत्तों के अलावा किसी चीज़ पर तहरीर के नमूने नहीं पाए जाते। इसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर आ जाएंगे कि तहरीरी अबलाग से लफ्ज़ों और ख्यालात की पायदारी हो। तहरीरी अबलाग की मुख्तलिफ शक्लें किस किस, जैसे तहरीरी अबलाग जो होता है वो खतूत, ठीक है, सर्कुलर, ऑर्डर, रिपोर्टें, फॉर्म और सवालनामे, मेमून, ख़बरनामे, रिसाले, पर्चे, पोस्टर, किताबें, नोटिस बोर्ड, ये सब जो है तहरीरी अबलाग की क्या है, शक्लें। इसके बाद सवाल आता है कि तहरीर ने इंसान को उसकी तारीख दी, बिल्कुल दी, इसमें आपको सही पे लगाना है। कागज़ छपाई की सहूलत अखबार के अबलाग के वजूद में आने से पहले भी गलत है। लिखना एक मुश्तरक सरगर्मी में गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटर लिखने का एक नया मफहूम स्लोवे सही है। रेडियो तहरीरी अबलाग का जरिया गलत है। तरसील की किस्में, तरसील की किस्में होती हैं, एक ज़ाती तरसील होती है, जैसे मैंने आपको ख़त लिख दिया या आपने मुझे मैसेज कर दिया सर हमें इसके नोट्स चाहिए, तो ये ज़ाती तरसील है, एक आदमी किसी एक आदमी को भेजना ये ज़ाती तरसील कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे जो है किसी आदमी ने, आपने अपने रिश्तेदार में से किसी को लिख दिया, आपने अब्बू को लिख दिया, अपनी अम्मी को लिख दिया ख़त, तो ये ज़ाती तरसील, ठीक है, ज़ाती तरसील कर रहा है। जैसे आप देखें ये क्रिकेटर जो है खड़ा हुआ है और ये बॉलर का इंतज़ार कर रहा है, तो ये मसलन सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर के बात कर रहा है आपस में, तो ये ज़ाती तरसील होती है। इसके बाद है बैन अफरादी तरसील। बैन अफरादी तरसील क्या होती है, जब किसी से आमने सामने आकर बातचीत करते हैं तो उसको बैन अफरादी अबलाग कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैन अफरादी अबलाग, पुलिस जो है एक मुलजिम से या एक गरीब आदमी से बात कर रही है, तो ये क्या होती है, बेन अफरादी तरसील कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है तो दूसरों के साथ तरसील जो होती है वो होती है रस्मी तरसील, जैसे मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, फरोख काउंटर, मुलाजिम के लिए इंटर मुलाजमत, गैर मुलाजमत यानी जॉब के लिए,
और गैर रस्मी तरसील किसे कहते हैं, जो हम दोस्तों के साथ करते हैं, घर वालों के साथ आपस में बातचीत करते हैं, चाय खानों रेस्टोरेंट पर। ग्रुप तरसील और इज्तिमाई तरसील। ग्रुप तरसील वो होती है जैसे बहुत सारे बच्चों को ये मैडम जो है पढ़ा रही हैं स्कूल में, तो ये ग्रुप तरसील का एक हिस्सा है ना। ग्रूही अबलाग भी कहते हैं इसे, ग्रुप तरसील भी कहते हैं। इसमें जो है बहुत सारे लोगों को मुखातिब कर रहे हैं इज्तिमाई तरसील। इसी तरह जो है आप और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लीडर है, ये जो है सारी अपनी आवाम को अवामी ब्लाक कहलाता है, जिसमें आवाम से संबोधित हो रहा है यानी आवाम से मुखातिब हो रहा है। इसके बाद जो है आप देखें खाली जगह को भरना है। जब किसी बल्लेबाज खेलते हुए अपने आप से बात करता है तो उसे ज़ाती ब्लाक। ज़ाती ब्लाक के बारे में एक बार थोड़ी सी देखिए, जब सिर्फ हम अपने आप से बात करें, दो फर्द के दरमियान बातचीत बेनफरादी बातचीत कहलाती है। किसी कैप्टन में होने वाली कैंटीन में होने वाली बातचीत गैर रस्मी कहलाती है। ग्रुप अबलाग में शायद एक से ज़्यादा होते हैं। इज्तिमाई अबलाग के दौरान बहुत से लोग एक शख्स से पैगाम वसूल करते हैं। आपने क्या सीखा, ये सारी बातें यहाँ पर। अब इसके बाद जो है यहाँ पे सवाल आता है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है चार के चार, तो इनको देख लेते हैं। टर्मिनल सवाल आते हैं यानी इम्पोर्टेंट है। तरसील का मफहूम मिसालों के साथ बयान कीजिए। तो इसका जवाब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम किसी से बात करते हैं तो उसे तरसील कहते हैं, और जो है मिसालों के साथ, जैसे मोबाइल पर आप किसी से बात कर रहे हैं ये भी तरसील है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ये भी तरसील है, ठीक है। मिसालों के साथ बता दें और आप निकाल लें इसमें से अगर अच्छे से अच्छे निकालना चाहते हैं। दूसरा सवाल है रोज़ाना ज़िंदगी में तरसील के पाँच हवास की अहमियत के बारे में बताएँ। ज़िंदगी में जो रोज़ाना तरसील होती है पाँच हवास की अहमियत के बारे में, तो सवाल ये है कि रोज़ाना ज़िंदगी में तरसील की पांच ऐसी में भाई, रोज़ाना में जो है हम अपने टीचर से बात करते हैं, अपने वालदेन से बात करते हैं, है ना, बच्चों से बात, क्लासरूम में टीचर बात करता है, दोस्तों से बात करते हैं, ये सारी मिसालें जो हैं हमारी पांच हवास की हैं। ज़बानी और तहरीरी तरसील के फ़ायदे और खामियाँ हुए। देखिए ज़बानी जो तरसील होती है उसका फ़ायदा ये है कि सब चीज़ें हमारे आमने सामने होती हैं, और ज़बानी तरसील से हम जो है बिल्कुल इशारे भी समझ सकते हैं, और ज़बानी तरसील में हम हाथों हाथ जो है सब चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तहरीरी तरसील में हमें देर से समझ में आता है, लिखा हुआ होता है एकदम समझ में नहीं आता। ये हाँ, अबलाग के मुख्तलिफ किस्मों का फ़र्क मिसालों के साथ बताएं। अबलाग की मुख्तलिफ किस्म, देखिए अबलाग जो है लफ्ज़ी अबलाग भी होता है और गैर लफ्ज़ी अबलाग भी होता है, ठीक है। लफ्ज़ी अबलाग, गैर लफ्ज़ी अबलाग ये है जिसमें हम इशारों के ज़रिए समझाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला इशारे से समझा रहा है, इसी तरह आप देख सकते हैं ये दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, इसी तरह आप ये देख सकते हैं भवे तानते हुए, ये सब जो है गैर लफ्ज़ी अबलाग है जिसमें ये, और लफ्ज़ी अबलाग क्या होता है जिसमें हम बातचीत, ज़बानी अबलाग कहलाता है, ठीक है, जिसमें हम बातचीत के ज़रिए अपनी बात पहुँचाते हैं। तो ये था सबक नंबर एक, जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से जैसा समझा सका समझाया अबलाग की तारीफ के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।